भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ कांड हो। सीरियस क्या गाइस, ये मजाक नहीं है, सीरियस है, सीरियस बात है, मजाक नहीं लेने का। ए गुड मॉर्निंग भैंसिया, गुड मॉर्निंग भैंसे की पड़ीवा, गुड मॉर्निंग बुआ, गुड मॉर्निंग त्रिपाठी जी, गुड मॉर्निंग चाची, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दीदी, गुड मॉर्निंग बुआ, गुड मॉर्निंग भाई, उठ जाओ धान जी भाई, उठ जाओ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मोहन भाई, मुंह में जमान नहीं है क्या, मारू क्या, गुड मॉर्निंग रजत भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मन्नी, अरे मुझको नहीं, गुड मॉर्निंग रे। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू न्यू ब्लॉग। सो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और अभी तक सब सो रहे, सो इसलिए सो रहे क्योंकि रात में बारिश होने लगा था, छत पे हम सोते हैं तो छत से हम नीचे भाग के आए थे 3 बजे। सो इस वजह से सब लेट सोए और ढंग से सो नहीं पाए, इसलिए अभी देर तक सोते रह गए। मैं उठ गया था, मैं 5 ही बजे उठा हुआ क्योंकि मैं ब्लॉग एडिट करने लग गया था ना रात में, मैं एडिट नहीं कर पाया बारिश में, कहाँ एडिट करता, इसलिए सो गया था। फिर अभी उठा हूँ मैं, तो अभी उठा एडिट वगैरह कर लिया, अभी मेरा बस पोस्ट पे मैं कर दिया, अपलोड हो रही है। सो ये आज देखते हैं कैसे जाता है आज का दिन हमारा। आज हमारा यहाँ पे 4th दिन है, जैसे कि कल ईटे आए हैं, आज देखते हो काम होगा तो फिर मेहनत ही मेहनत है, अगर नहीं होगा तो फिर मजे ही मजे है। सो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। ओए सोनू जा जल्दी यार, मुंह धो ले जल्दी जा। दीदी गुड मॉर्निंग, दीदी कब की उठी है ना, मैं भी तेरे साथ ही उठा था गाइस, मैं भी पहले ही उठ गया था, बताया जैसे कि मैं एडिट कर रहा था। कौन 6 बजे ना, हाँ सॉरी गाइस 6 बजे उठा था, 6 बजे बोलने में मतलब समझने में मिस्टेक हो गया, टाइम नहीं देखा था ना, उठते ही सीधा मैं एडिटिंग स्टार्ट करते, मैं भुखला गया था, एडिट नहीं हुआ ब्लॉग कैसे अपलोड होगा, इसलिए जल्दी जल्दी में पता नहीं लगा कितना टाइम है, 6 बजे उठा था। सॉरी गाइस, बस गुड मॉर्निंग चाचा। सो गाइस चाय भी आ चुका है, चाय पीते हैं फिर उसके बाद मिलते हैं। एक सेकंड पूजा सो जाइए, कहते हैं आ जाएगा, आ जाएगा, रहने ऐसे कौन सोता है भाई, वो अपना पर गाइस सोते समय किसी को कोई अंदाजा नहीं होता कि वो कौन से एंगल में सो रहा है, कोई बात नहीं नेचुरल है, सब सोते हैं ऐसा, मैं भी सोता, एक दिन सोनू में सो रहा था, सोनू का गर्दन पीछे घुमा हुआ। सो गाइस मैं इसलिए यहाँ पे देखो, अभी मैं इसलिए यहाँ पे बैठा हूँ क्योंकि देखो अभी जा रहा है हमारा टीजर एडिट होने, शूट हुआ था 1.5 महीना हो गया, बट मैं सोचा था कि मैं अपने बर्थडे वाले दिन टीजर अपलोड करूँगा एंड फुल वीडियो थोड़ा रुक के करूँगा क्योंकि अभी फिलहाल ब्लॉग का सीजन चल रहा है तो मैं ब्लॉग कंटिन्यू करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो तो फुल आएगी नहीं, टीजर भर से मैं कल ले आऊँगा क्योंकि कल मेरा बर्थडे है, जैसे कि बस वही अभी एडिट किया नहीं हूँ, अभी तो एडिट कर रहा हूँ, तो देखते हैं कैसा मैं एडिट करता हूँ, होप अच्छा ही हुआ एडिट। अपने बारे में सारा कुछ बता दे, चलो बायो भी बता रहे, सब कुछ बता। प्रेमनगर, तू प्रेमनगर रहता है, यहाँ का नहीं पता मुझे, हाउस नंबर नहीं होता, बस गमो में आ जाओ, गमो में आई जाओ, पूछो इनके घर कहाँ है, जुड़ते बता दिए, उंगलियाँ पकड़े जुड़ते ले आई है घर तक, तुम समझ गलत रहे हो, अच्छे से समझोगे पता लग जाएगा। गाइस ये सब मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, मेरा ब्लॉग देखकर गलत बात है, ब्लॉग देखना तो अच्छे से देखो, बेइज्जती मत करो। सो गाइस मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे लिए स्पेशल थाली है, क्या बात है चाची, थैंक यू चाची को, जोरदार थैंक यू चाची, इधर आइए थोड़ा सा धूप में आ जाइए, चाची भाग गई, किसने लाया स्पेशल थाली, चाची ने लाया, क्या बात है चाची, थैंक यू चाची, चाची का थैंक यू। देखो मैं गाइस थाली दिखाता हूँ अपना, ये देखो ये है मेरा थाली, इसमें 4 तरह के मतलब आइटम है, इसमें एक अरे अरे मोनू क्वेश्चन करने लग गया, दान जी का सोनू का, सोनू तेरे को कोई ऑब्जेक्शन है नहीं है ना, मोनू पूछता है कि ना ये क्यों भाई रवि का स्पेशल थाली क्यों, तो चाची बोलती है नहीं रवि वीडियो बनाते ना इसलिए रवि का स्पेशल थाली, क्या बात है, एक तो फायदा हुआ वीडियो बनाने का, सही खुश हो गया चाची का सेवा खतरनाक है कर रही है, पानी के लिए घुर्रा रही है अपनी बेटी में, क्या बात है, लेके आ भाई पानी, चाची का हुक्म सुन जल्दी से चले। सुबह से अभी हम जा रहे हैं खाना वाना खाकर भगड़म में जा रहे हैं, भगड़म एक जगह का नाम है तो पता नहीं, शायद बुआ हुआ वहाँ पे है, बुआ बुलाई है, कोई काम है बोझ उठा के लेके आना है, बहुत बड़ी मछली, दुनिया का बोझ हम उठाएंगे। सुबह से हम सब आ गए भगड़म में, ये हमारे यहाँ का बीच है, गाँव वाले लोग मछली भी आते लोग, क्या बात है, क्या बात है। सो गाइस हम सब आ गए हैं अभी खेत में, तो गाइस हमें यहाँ से बोझा उठा के लेके जाना है, मैं दिखाता हूँ कौन सा बोझा, आ जा, शायद आज का लगता है थोड़ा सा काम, ईटे वाला शायद आज काम नहीं लगा क्योंकि चाचा बोले इतना लेट उठे हो, इतना लेट से तो ना काम स्टार्ट होगा। अरे बुआ जाओ यार, दोबारा तिबारा आ जाएगा, मैं काम करूंगा पर तुम्हें ज्यादा नहीं ले जाने दूंगा, अरे बुआ बस बोला ऐसा मुझे,
इसमें बुआ सांप सूप तो नहीं है? पता लगा सांप सूप छुपा बेटा गर्दन में घूम रहा है। ब्लॉग में आए कर। तो गाइस यहाँ पे ये बात हो रही है कमल के आने की। गाइस फाइनली मेरा एडिटिंग खत्म हो गया है। गाइस मेरा टीजर एडिट हो गया है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये सो गाइस अभी टाइम कितना, जल्दी टाइम बताओ। 350 हो रहे गाइस और मैं स्टार्ट किया था कितना 12 PM मैंने स्टार्ट किया था। और देखो 3 घंटे लग ही गए मुझे एडिट करते करते। टीजर छोटा सा टीजर है बट थोड़ा मतलब दिमाग लगता है, ज्यादा मेहनत नहीं लगता बस दिमाग लगता है। कैसा टीजर तू बता देखा? बहुत अच्छा, मैंने देख लिया। अच्छा है ना? अब तो बस आप सबने देखा ही होगा टीजर, क्योंकि ये वीडियो तो अपलोड हो चुकी है 26 तारीख आज है, और सॉरी 27 तारीख आज है, तो 25 को अपलोड हो ही चुका था टीजर। बट ब्लॉग तो बहुत लेट आ रहा है, सो इसलिए ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं रहेगा आपको कि टीजर देखना है देखना। आपने तो ऑलरेडी देख लिया होगा, एंड जो लोग नहीं देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा होगा वो तो फिर जाके देख लो गाइस जल्दी से। बाकी कल तो तुम्हारे भाई का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू इन एडवांस, हैप्पी बर्थडे। चल ठीक है, ये तो फिर उस टाइम मिलेगा ना, 27 तारीख को। 25 तारीख को जो करेगा सबसे पहले उसी को होगा ना। तो गाइस 3 घंटे तक काम कर रहा था ना, तो फिर चाचा डांट रहे मतलब कि बैठा रहेगा काम वो नहीं कर रहा है, तो इसलिए अभी बुलाया है काम के लिए। चलते अभी काम करते थोड़ा, और नहाना है, मैं नहाया नहीं हूँ। तो गाइस हमारे बीच में वो साइंटिस्ट आके बैठे हुए हैं। साइंटिस्ट गाइस सोनू ने काम कर ही लिया है, सोनू का हाथ गंदा है। हाँ वो देखो, सो प्लीज कोई भी ये मत सोचना कि सोनू काम नहीं किया है और नहीं करता है, करता है और किया है, हमने भी किया। देखो यहाँ तक वहाँ तक पढ़ा है, मैं थोड़ा लेट हो गया पर मैं किया हूँ, देखो एंड तक मैं ही टिका रहा। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है, टाइम इज 6:23 हो रहा है। सोनू तो गाइस कि मैं एक बात सच बोलूँ, सोनू ने 2 दिन बाद आ जाके नहाया। क्यों सोनू सच बोल रहा है? सही बोला है ना? हाँ गाइस 2 दिन बाद नहाया। सो गाइस आप सबको एक बात बताना है, मेरा सेकंड ब्लॉग यहाँ का जो सेकंड ब्लॉग है, उस ब्लॉग में हम गए थे एक ट्री के पास, जो क्या कहते हैं उसे, जो इतना बड़ा ट्री मतलब मैंने कभी नहीं देखा। उस ट्री का मतलब रहस्य बातें बहुत ज़्यादा हैं, जो अभी जो हमें आज पता लग रहा है, क्योंकि मैंने ब्लॉग अपलोड आज किया है। मतलब सब बता रहे हैं कि उस पेड़ के पास मत जाना, पेड़ में कुछ ऐसी से बातें हैं, मतलब कुछ ऐसे से डरावने मतलब सीन हुए क्रिएट होते। मम्मी बोल रही है अब जाएगा तो बहुत सुनेगा मम्मी से, तो अभी मैं बताऊंगा, चाची से पूछूंगा, चाची बता रही थी ऐसी से बात है उस पेड़ के बारे में, सब बता रहे हैं। मैं थोड़ा थोड़ा जाना, अभी मैं अच्छे से जानूंगा। सीन ही हो गया भाई, देखो कितना अंधेरा है, ये देखो गाइस यार सीन हो गया है, तो चक्के के बाहर ही मतलब रिंग के बाहर ही चक्का आ गया। ओ यार सो गाइस अभी आधे रास्ते में हमारे साथ सीन हो ही गया। अब चलो अब मुंह मत देखो, अब चलो धक्का लगाओ। वो वाला सीन मत समझना जो मैसेज पे जाता है, ये वाला सीन। सो गाइस अभी मंदिर का हम गांव के ज्यादा आगे नहीं गए, बीच रास्ते में फंस गए यार। तो अभी मोनू सोनू को कॉल करके बुला रहे हैं। मोनू हो गया सीन भाई पंचर। सालो तुम्हारी पर दुआ लगी है, तुम लोग को नहीं लेके जा रहे थे ना? मैं तो कहता 2 ही जने जाते थे ठीक रहता ना। चल ठीक है आ जल्दी, पंचर होगी गाड़ी, चक्का ही खत्म हो गया पूरा ट्यूब। सो गाइस चलते, धक्का लगा के अब जो समझ उठा के लेके जाएंगे। उसको बुला लेना मोनू और इधर हो इधर। सो गाइस हमारा चौथा दिन पड़ गया हम पर भारी, मैंने नहीं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ कांड होगा हमारे साथ, बट हो गया तो क्या करें, चलो जिंदगी इसी का नाम है। इस फाइनली चक्का जो निकल गया था रिंग से बाहर गया था, चक्का फाइनली हमने अंदर कर दिया। ये देखो गाइस, अरे भाई कोई ना ऐसी करके रख, चक्का बाहर आ गया। और बट एक एक चीज, एक और कांड रह गया, उसका चैन उतर गया बाइक का, सीट डबल डबल कांड हो गया। हमें लगा सिर्फ चक्का चक्का हो गया बट चैन भी उतर गया। भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ कांड हो, चैन चढ़ा रहे सारे जो पीछे आवाज रही खड़ 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 खड़। हम सब ऐसे लेके जा रहे हैं धक्के मार के और फुल एंजॉय करके के साथ, दो नहीं तीन तीन कांड हुए देखो। लल्ला मेरा दानजी, तीनों के तीनों किचन में हम गिर गए। सो गाइस यहाँ पे चल रहा है काम प्लास्टर का, 2 मिस्त्री लगे हुए हैं अपने पूरा 100% देने के। तो गाइस चाचा के लिए एक लाइक जरूर कर देना। अब तेरे को नींद आ रहा था अभी? तो ये सीन रह जाता, नींद को तो परे मार ये सीन निकल जाता ना। दीदी बोलती है लेट क्यों रहा है, चला जल्दी ब्लॉग बना ले, सब काम चल रहा है बन गया। देखो मेरा आंखें लग रहे थे सोए सोए, मैं सो रहा था। चाचा आप उधर से हाथ डालो, मेरे से हाथ मिलाएंगे। अच्छा कोई बता रहा था पेड़ के बारे में यार, वाले कोई जानता है उस पेड़ के बारे में जो जहाँ पे हमारा ब्लॉग था? मम्मी बता रही थी कुछ, कहते हैं वहाँ खड़ा हो जाओ ना सांप गिरता ऊपर से। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर मैं सुनी थी कि वो जो पेड़ है ना उसका डारी पकड़ो, कुछ भी पकड़ो ना तो पकड़ोगे डारी पर उसमें पकड़ाएगा सांप है। हाँ? सब लोग बोलते थे पहले। और माँ के सामने तो डर लग रहा मुझे यार, ऐसा नहीं था पेड़ है, मुझे डर लग रहा पक्का।
इसी की वजह से इसको पकड़ने के बाद ऐसा फील आ रहा था कि सांप जैसा है। हाँ यार बात सही है, सही है, ऐसा लग रहा था कि सांप जैसा। ये बात सही है, मैंने पहले भी बोला था इनको। ये बात सही है, मोनू मुझे उसी टाइम बोला था कि मैं इसको दाढ़ी पकड़ने से लग रहा है कि सांप पकड़ रहा हूँ। मोनू के साथ हो गया मतलब कांड। तो यहाँ बहसबाजी हो रही है कि पूरा प्लास्तरा होगा कि आधा प्लास्तरा होगा, पर जो यहाँ पे रहते हैं वो कहते हैं यहाँ पे बाढ़ आ जाता है सारा कुछ उजाड़ के लेके चला जाता है। सच में यार उस वाले पेड़ पे कुछ पंगा है क्या? उस वाले पेड़ पे जहाँ पे मैं गया था क्या है पंगा? तो गाइस वही बात चल रही है, एक ही पेड़ में सात पेड़, मतलब एक ही जगह पे पूरा पेड़ जो बना हुआ था वो उसमें सात पेड़ थे, जैसे कि कल उस दिन बाबा ने बताया था। चाची जी सब बता रहे, चाचा बता रहे हैं कि इसमें ब्रह्म देवता रहते हैं। सीरियस क्या गाइस, ये मजाक नहीं है, सीरियस है, सीरियस बात है, मजाक नहीं लेने का, मतलब भगवान रहते हैं। अब जो भी था हमें तो नहीं पता था कि क्या है क्या नहीं है, गलती से चले गए थे, अब दोबारा नहीं जाएंगे उधर। तो यही चाची बता रही थी हमें, ऐसी से बात है। अभी चाचा ने भी बताया तो मुझे कन्फर्म हो गया कैसी से बात है, पेड़ अनोखा मतलब नॉर्मल ऐसा पेड़ नहीं है, कुछ तो बात है उस पेड़ में। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे ब्लॉग, आई होप ये वाला ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो। तो गाइस लाइक शेयर कमेंट एंड जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए पीस आउट, बाय बाय।